नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, निश्चित तौर पर उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन हम सभी ये आग्रह करेंगे कि प्रशासन की ओर से जो बेकसूर हैं मृतकों के परिवार के, उनकी पत्नी, बच्चे और परिवारजन, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको कहीं ना कहीं कोई मुआवजा या राहत मुहैया कराया जाना चाहिए। ये सभी गरीब परिवारों के लोग हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी ने एक नई मांग सीएम नीतीश कुमार के सामने रख दी है। बता दें कि जिस तरह से नालंदा में जहरीली शराब पीने से करीब 11 लोगों की अब तक मौत हो गई है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि उन सभी के परिवार वालों को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया है, ऐसे में इस कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि प्रशासनिक कार्रवाई की बात भी बीजेपी ने उठाई है और साथ ही साथ मुआवजा राशि की मांग बीजेपी की तरफ से कही गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। नालंदा में 8 लोगों की दुखद मृत्यु की घटना से हम सभी मर्माहत हैं। मृतकों के परिवारजनों के प्रति हम पूरी संवेदना जताते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन परिवारजनों के साथ मुस्तैदी से है और इस घटना में जो भी लोग मृतक हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हालांकि उन परिवारजनों के की ओर से और मीडिया के सेक्शन में कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है और प्रशासन इस मामले की जांच में लगा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि जब भी होती है, लेकिन जिस भी संदेहास्पद पेय पदार्थ से के सेवन से उनकी मृत्यु हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यह जहरीली शराब से ये घटना हुई है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब की बिक्री, उसका सेवन, ये सभी अपराध की श्रेणी में है और जो भी लोग इस मामले में संलिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, निश्चित तौर पर उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन हम सभी ये आग्रह करेंगे कि प्रशासन की ओर से जो बेकसूर हैं मृतकों के परिवार के, उनकी पत्नी, बच्चे और परिवारजन, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको कहीं ना कहीं कोई मुआवजा या राहत मुहैया कराया जाना चाहिए। ये सभी गरीब परिवारों के लोग हैं और ये घटना के कारणों की जांच प्रशासन कर रहा है और जो भी जांच में सामने आएगा वो हम सभी के सामने होगा, लेकिन उन मृतकों के परिवारजनों के साथ न्याय हो और जो भी लोग इस घटना में दोषी हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात के लिए हम जरूर। तो बता दें कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का खेल खेला जा रहा है और यही वजह है कि कल से लेकर अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 के पास पहुंच गई और यही वजह है कि प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी अब बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। बता दें कि इससे पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी ये कहा है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रशासन पर भी सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच अब बीजेपी की ये नई मांग सामने आई है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है वे सभी गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे में उनकी पत्नी और बच्चों का ख्याल करते हुए सरकार को मुआवजा राशि भी देनी चाहिए। ऐसे में अब आगे सीएम नीतीश कुमार का क्या कुछ फैसला होता है, बीजेपी की बात सीएम नीतीश कुमार मानते हैं या नहीं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठा रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी मांग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा राशि देने की बात कही गई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।